नमस्कार। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है, उसका टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। ये 12th क्लास का इतिहास का 12वां पाठ है और आज हम इसमें जो है चर्चा करेंगे कि दिल्ली सल्तनत और जो मुगल काल, उस समय जो है किस प्रकार के प्रशासनिक प्रणालियां और संस्थाएं थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उसके साथ ही एक नए, हम देखते हैं, शासक वर्ग का उदय होता है। इस नए शासक वर्ग ने नई प्रशासनिक प्रणालियां आरंभ की, नई संस्थाओं की स्थापना ही भी की इसने। और जैसे ही मुगलों का आगमन होता है तो उसके बाद इन प्रणालियों में कुछ हमें परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं और कुछ और नई जो है प्रणालियां, यानी कि जो सिस्टम जो है हमारे सामने आते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे कि 500 वर्षों से अधिक की अवधि के प्रशासन के सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे कि किस किस तरह से दिल्ली सल्तनत से मुगल काल तक आते आते हमें जो यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इंस्टीट्यूशन था उसमें किस तरह के हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी समय में जो है हम देखेंगे कि शासक वर्ग कैसे बदलते हैं 500 काल में। पहले दिल्ली सल्तनत में सुल्तान थे, फिर बादशाह, और मुगल काल में आते हैं, देख कौन कौन से मुगल रूलर्स आते हैं। विभिन्न शासकों ने इन संस्थाओं का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया। शासकों ने समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए समय समय पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इन प्रशासनिक तंत्रों में सम्मिलित भी किया। अब हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे का विकास। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर में स्वतंत्र सुल्तान के रूप में स्थापित किया तो उस समय जो मौजूद प्रशासनिक तंत्र था वो प्रारंभिक अवस्था में था। जब तक स्थानीय शासकों ने दिल्ली के सुल्तान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया तब तक मौजूदा ना कोई परिवर्तन उसमें किया गया और ना ही उसे छेड़ा गया। उन्हें सिर्फ कर उसे खराज के रूप में केंद्रीय खजाने में भेजने की अनुमति थी। इन क्षेत्रों में केंद्रीय कर्मचारियों का मुख्य कार्य जो था स्थानीय शासकों का उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना था। दिल्ली सल्तनत के विस्तार के साथ साथ हम देखते हैं कि नई प्रशासनिक संस्थाओं का भी उदय होने लगा। प्रशासनिक ढांचे और नए शासकों द्वारा भारत में प्रतिपादित संस्थाओं पर मंगोलों, सेल्जुकिड्स आदि का प्रभाव पड़ा। देश के विभिन्न भागों में मौजूद संस्थाओं ने भी नई प्रणाली का निर्माण करने में भी योगदान दिया। सुल्तानों को इस बात की जानकारी थी कि उन्हें जिस प्रजा पर शासन करना है उसमें गैर इस्लामिक लोग भी की संख्या जो है अधिक है, इसलिए दिल्ली के सुल्तानों को सल्तनत की मौजूदा परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए खास उपाय करने पड़े। प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा महसूस होता है कि स्थानीय प्रशासन मुख्यतः गांव के प्रधानों आदि के हाथों में आ गया था। इस प्रकार सल्तनत काल के दौरान केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक संस्थाओं का विकास हुआ। अब हम जो है प्रशासनिक प्रणाली यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के विभिन्न घटकों का जो विस्तार हो उसके बारे में, कैसे विस्तार हो उसको अब हम समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत के पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद हम जो है फिर मुगल काल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि प्रशासनिक प्रणाली की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के समय में जो है जो सुल्तान जो था सबसे प्रमुख पद था और उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे जो है मंत्री और जो अभिजात वर्ग हुआ करते थे। सल्तनत काल के दौरान अगर हम देखें तो प्रशासनिक तंत्रों का मुख्य सुल्तान होता था। उच्च अधिकारी राजकाज में सुल्तान की सहायता करते थे। सुल्तान के कार्यालय के साथ अन्य कार्यालय भी होते थे। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान की सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि मजलिस खलवत भी थी। सुल्तान की अगर हम बात करें तो सुल्तान जो था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था और उसको एब्सोल्यूट पावर मिलती थी, मतलब उसके पास सारी पावर्स थी, वो बहुत सारी पावर्स उसके पास थी, वो जो चाहे अपने उसमें कर सकता था। और वो असिस्टेड बाय नोबिलिटी एंड द उलेमा, उलेमा और जो नोबिलिटी थी यानी कि अभिजात वर्ग जो था वो उसकी सहायता करते थे और उसका शासन चलाने में। सुल्तान प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान पर होता था। वह नागरिक प्रशासन का प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर था। सुल्तान सभी दरबारियों को की नियुक्तियां करता था और उनकी तरक्की करता था।
तथा वह किसी को भी अपने दरबार से निकाल सकता था और किसी को भी जो था दरबार में प्रवेश करा सकता था या किसी पद को पर उसे रख सकता था। वह सर्वशक्तिमान था, उसके पास सारी शक्तियां थी, वो जिसे चाहता दरबार से निकाल सकता था और जिसे चाहा दरबार में किसी भी पद पर रख सकता था। इसलिए सभी शक्तियां उसके हाथों में थी तथा वह न्यायिक शक्ति का सर्वोच्च स्वामी था। सुल्तान लोगों को उपाधियां और सम्मान प्रदान करता था। सुल्तान का पद ऊंचा होता था परंतु व्यवहारिक रूप से उसकी शक्तियां घटती और बढ़ती रहती थी। सुल्तान पर हमेशा अभिजात वर्ग यानी कि नोबिलिटी और उलेमा का दबाव बना रहता था। दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तानों ने इन वर्गों पर नियंत्रण रखने के लिए भी अलग अलग रणनीति अपनाई। बलबन ने अभिजात वर्ग को कड़े नियंत्रण में रखा। इस प्रकार सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे में सुल्तान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। योग और शक्तिशाली सुल्तानों के नेतृत्व में प्रशासन और प्रशासनिक ढांचे सही से कार्य करते थे, लेकिन अयोग और कमजोर जो शासक होते थे उनमें हम ये देखते हैं कि जो अभिजात वर्ग था वो सुल्तान पर दबाव बनाते थे और उनके दबाव में सुल्तान काम करता था। जो दूसरा जो आता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो आता है नोबिलिटी यानी कि अभिजात वर्ग जिसे हम कहते हैं। नोबिलिटी जो था मेन नोबिलिटी जो थे मेन फंक्शन मतलब मेन फंक्शनरी थी और उन्हें इनको बहुत ऊंचे पद दिए जाते थे। ये कह सकते हैं कि सुल्तान के बाद अगर किसी का बड़ा पद था तो वो जो था नोबिलिटी अभिजात वर्ग का स्थान था। नोबिलिटी जो था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे राजा को बनाने में और ये नोबल्स होते थे बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन के होते थे, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन्स के होते थे। अभिजात वर्ग राज का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा समाज में इनको ऊंचा स्थान प्राप्त था। पहले तो हम देखते हैं कि सेना के ऐसे ही लोग जो अभिजात वर्ग या नोबिलिटी जो थे शुरू में सेना के ऐसे कमांडर थे जिन्होंने युद्ध में विजय हासिल की थी। कुछ वर्षों से उनके उत्तराधिकारियों ने मुख्य शक्ति हासिल कर ली तथा कुछ भारतीय समूह भी इनमें विकसित हुए। अभिजात वर्ग की स्थिति और शक्तियों के में समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहा। वे अभिजात वर्ग जो मूलतः हम देखते हैं कि दिल्ली में स्थापित थे अत्यधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे तथा वे समय समय पर सुल्तान का चयन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। अभिजात वर्ग में समरूप श्रेणी नहीं थी, इनमें इसमें हम कह सकते हैं कई समूह सम्मिलित थे और उनमें अक्सर लड़ाइयों के कारण आपस में दुश्मनी बनी रहती थी। इल्तुतमिश के समय में हम देखते हैं कि तुर्की और ताजिक कुलीनों के बीच लड़ाई प्रारंभ हुई और इसकी मृत्यु के पश्चात इन लड़ाइयों ने और अधिक जोर पकड़ लिया। 40 स्लेव्स यानी कि चहलगान समूह या 40 अभिजातों का समूह शक्तिशाली समूह के रूप में उभरा जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। बलबन एक पहला सुल्तान था जिसने अभिजात वर्ग पर कड़ाई से नियंत्रण रखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं बलबन भी वो जो 40 स्लेव्स या चहलगान का ही एक हिस्सा था। कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश अभिजात वर्ग को अपने बराबर का समझते थे जबकि बलबन ने अभिजात वर्ग से एक दूरी बना के रखी थी और वो स्वयं के लिए अभिजात वर्ग के लिए मतलब जो था कड़ी आचार संहिता लागू की थी। दरबार में कोई भी जो है दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था और ना ही हंस सकता था। उसने यानी कि बलबन ने उत्कृष्टता पर बल दिया और उच्च पद और उच्च कार्यालय को प्राप्त करने वालों के लिए मानदंड निर्धारित भी किए। दिल्ली सल्तनत का विस्तार होते ही समाज के विभिन्न समुदायों ने अभिजात वर्ग में सम्मिलित होने के प्रयास किए। शुरू में हम देखते हैं कि इस वर्ग में तुर्कों को सम्मिलित किया गया। खलजी और तुगलकों के शासन काल के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए भी अभिजात वर्ग के दरवाजे खुले थे। विशेषतः हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन जो तुगलक के शासन काल में हिंदू और मुस्लिम दोनों के निम्न जाति के लोग अभिजात वर्ग में शामिल हो गए और उन्होंने बड़े बड़े पद हासिल किए। लोधी काल में समानता की अफगान धारणा उस समय महत्वपूर्ण हो गई जब सुल्तान को समान शक्ति वालों में प्रमुख माना गया। इस प्रकार अभिजात वर्ग सुल्तान के बराबर की हैसियत रखते थे। कुचेक लोधी सुल्तान जैसे शिद्दा लोधी और इब्राहिम लोधी को यह पसंद नहीं था। उन्होंने अभिजात वर्ग को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। अभिजात वर्ग ने इसका विरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सुल्तान परेशानी में पड़ गए। जो नेक्स्ट जो क्लास आता है वो आता है उलेमा। उलेमा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्लास था। ये जो थे ये रिलीजियस ग्रुप ऑफ रिलीजियस मुस्लिम रिलीजियस पीपल होते थे। ये रिलीजियस मैटर्स को और या उनको इंटरप्रेट करते थे।
और ये एक काजी की तरह, यानी कि उसकी तरह काम करते थे, काजी की तरह ये काम करते थे विभिन्न स्तरों पर। और ये राजा को कभी ना कभी, मतलब कभी कभी प्रेशराइज भी करते थे कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जो है सुल्तान जो है अपना जो है शासन जो है चलाए। मुसलमानों के धार्मिक बुद्धिजीवियों के समूह को उलेमा कहते हैं। ये समूह के लोग का कार्य जो था धार्मिक मामलों की व्यवस्था करना और सुल्तान के लिए धार्मिक नियमों की व्याख्या करना होता था। उलेमा जो थे न्यायिक मामलों के प्रभारी भी होते थे। उलेमा अत्यधिक प्रभावी समूह था और सुल्तान और अभिजात वर्ग की प्रशंसा करता था। उनका मुस्लिम जनता में बहुत ही प्रभाव था। उलेमा का समूह जो था इस्लाम के धार्मिक नियमों के अनुसार सल्तनत को चलाने के लिए सुल्तान पर दबाव भी डालता था। सुल्तान और अभिजात वर्ग अक्सर प्रशासनिक कार्य धार्मिक नियमों की बजाय राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार करने की कोशिश करते थे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रभावशाली सुल्तान ही उलेमा की सलाह के लिए कई मुद्दों पर अनदेखी कर सकते थे, लेकिन कुछ सुल्तान उनकी सलाह को मानते थे। अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखें दिल्ली सल्तनत का, कि किस प्रकार का इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो हम देखते हैं प्रशासनिक प्रणाली का प्रधान जो था सुल्तान होता था। अनेक विभाग थे जिन्हें अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे। इन विभागों का प्रबंध जो था प्रभावशाली अभिजात वर्गों द्वारा किया जाता था। अब हम कुछ विभागों, मतलब जो विभाग थे उस समय वो किस तरह से काम करते थे, उनका लेखा जोखा किस तरह से था, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है वजारत। ये दीवान वजारत जो है दीवाने इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस था सुल्तान के बाद जो था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिस ये था यही था। ये इसका जो प्रधान था वो वजीर था, जो सभी जो डिपार्टमेंट थे ओवरऑल उनका सुपरविजन था। और ये सुल्तान को एडवाइस भी करता था कि किस तरह से उसको अपना शासन चलाना चाहिए। अगर हम कह सकते हैं कि सुल्तान के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यालय था वो दीवाने वजारत था। उसका प्रधान जैसे मैंने बताया कि वजीर होता था, शाही दरबार में ये मुख्य पद होता था और इसकी भूमिका सभी विभागों के लिए प्रधान पर्यवेक्षक की होती थी। लेकिन ये चार महत्वपूर्ण भागों का प्रधान था। ये सुल्तान का प्रमुख सलाहकार भी था। वजीर का मुख्य कार्य अगर हम कहें तो राज्य के वित्तीय संगठन की देखरेख करना था और सुल्तान को सलाह देना, और कभी कभी हम कहेंगे कि सुल्तान के आदेश पर जो सैन्य अभियान थे उनका नेतृत्व करना होता था। सेना को किया जाने वाला भुगतान भी जो वजीर की देखरेख में होता था। वजारत या वजीर का कार्यालय जो है भूमि के राजस्व वसूली पर निगरानी रखता था, राज्य के सभी आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था तथा इस प्रकार सभी शाही नौकरों की तनख्वाह पर नियंत्रण रखता था। अथवा हम कह सकते हैं कि उनकी जो शाही नौकरों को जो तनख्वाह दी जाती थी उनका लेखा जोखा भी यही वजीर रखता था तथा धर्मांत चंदों जैसे वक्फों और इनामों आदि का नियंत्रण भी वजीर रखता था या दीवाने वजारत कार्यालय रखता था। इसके अतिरिक्त वजारत द्वारा टकसालों, खुफिया विभागों, शाही इमारतों और शाही दरबारों से संबंधित निकायों का देखरेख किया जाता था। वजीर के सुल्तान तक सीधी पहुंच होती थी और ये उसकी बुद्धिमत्ता हम कह गए या ईमानदारी और वफादारी का परिणाम था कि सुल्तान वजीर पर बहुत निर्भर करता, मतलब बहुत निर्भर हो जाता था या रहने लगता था। वजारत के अंतर्गत कार्य करने वाले अनेक विभाग थे, उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। जैसे मुस्तौफिया मुमालिक, इसका काम था कि महालेख परीक्षक इसका पोस्ट था। इस तरह से मुशरिफ मुमालिक ये प्रधान लेखाकार हुआ करता था। मजूमदार अगर हम कहें तो खजाने से ऋणों और शेषों का लेखा जोखा रखने वाले होते थे, ये सब इसमें सम्मिलित थे। कुछ समय बाद दीवाने वकूफ यानी कि व्यय का हिसाब किताब रखना, दीवाने मुस्त खराज यानी कि राजस्व भुगतानों में शेष रह गई राशि की जांच करना, दीवाने अमीर को ही यानी कि राज्य की सहायता से खेती न की जा सकने वाली भूमि को खेती करने योग्य बनाना जैसे कुछ अन्य कार्यालय को वजारत की देखरेख में लाया गया। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस, वो है दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट। ये जो था ये सैन्य उसको देखता था, सैन्य संगठन जो थे सैन्य मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को देखता था। और ये इसका जो प्रधान था वो अरिज़ मुमालिक था। ये मिलिट्री अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था।
समाज के सैनिक संगठन की देखरेख करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसका प्रधान अरिज़े मुमालिक होता था। ये सैन्य कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। ये शाही सेना की देखरेख करता था, सैनिकों की भर्ती करना भी इसका काम था, सेना में अनुशासन बनाए रखना भी इसका काम था और उनको उपयुक्त रखने की क्षमता का ध्यान रखता था। इक्तदारी द्वारा रखी जा रही सेना का निरीक्षण भी यही करता था। घोड़ों की जांच करना और उनकी पीठ पर शाही निशान लगवाना युद्ध के ये भी इसका काम था। अगर युद्ध के दौरान आर्य सेना को खास सामग्री और परिवहन व्यवस्था तथा युद्ध में सेना की व्यवस्था करता था और आपूर्ति और इस युद्ध के लिए जो जितनी आपूर्ति थी उसको जारी रखता था और जो लूट के माल को अपनी निगरानी में ये रखता था। ये सब इसके काम थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग यानी कि दाग लगाना और हुलिया चित्रण प्रणाली तथा सेना पद अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सैनिकों को नगद भुगतान करना प्रारंभ कर दिया था। दिल्ली में रहने वाले सैन्य दल यानी कि हश्मे कल्ब कहलाते थे। प्रांतों में रहने वाले सैन्य दल जो थे हश्मे एतराफ कहलाते थे। एक और डिपार्टमेंट था, वो था दीवाने इंशा। ये इसका जो प्रधान होता था वो दबीर खास होता था। ये स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस देखता था और इस जो विभाग का मुख्य काम जो था राज के पत्राचार की देखरेख करता था। इसका इसका प्रधान दबीर खास होता था। ये शाही फरमानों के मजमून तैयार करता था और उन्हें भेजता था तथा विभिन्न अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करता था। दाबिर साम्राज्य के केंद्र और अन्य प्रदेश के बीच सरकारी पत्र व्यवहार करने का एक माध्यम था। ये एक किस्म के से सुल्तान का निजी सचिव था और फरमान लिखता था। ये जो बरीद मुमालिक जो था कि राज्य में जो समाचार एकत्रित करने और गुप्तचर कार्यों का जो प्रधान भी था, उसे सल्तनत में घटने वाली घटनाओं की जानकारी रखनी पड़ती थी। स्थानीय स्तर पर वारिद होते थे जो राज्य के केंद्रीय कार्यालय से संबंधित नियमित प्रचार समाचार भेजते थे। वारिद के अतिरिक्त मुनिहियान के नाम से जाने वाले रिपोर्टर्स का एक अन्य समूह मौजूद था। एक और डिपार्टमेंट था दीवाने रिसालत। ये जो डील करता था वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डील करता था। ये इसका प्रमुख जो होता था सदर सुदूर कहलाता था और इसे काजी मुमालिक भी कहते थे। ये हाईएस्ट रिलीजियस ऑफिसर होते थे और ये अगर हम कहें ये विभाग जो था न्याय की व्यवस्था करता था और ये सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था और ये पुरोहितों का कार्य भी देखता था। ये वह काजियों जिसको हम आज के उसमें कह सकते जजों की भी नियुक्ति करता था और विभिन्न धर्मांध अनुदानों जैसे वक्फ वजीफा इदरार आदि को अनुमोदन प्रदान करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील की सर्वोच्च अदालत जो था सुल्तान था। इससे अगला काजी मुमालिक था। मुहतसिब सार्वजनिक न्यायिक विभाग को सहायता प्रदान करते थे। इनका मुख्य कार्य जो था ये देखना होता था कि कोई इस्लाम के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। वह नैतिक सिद्धांतों और आचरण की देखरेख करता था और उसे लागू करता था। और अगर हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट की बात करें तो एक था वकीलेदार जो रॉयल हाउस होल्ड की जो चीजें होती थी उनको देखता था। इसी तरह से एक और था अमीर हाजिब जो रॉयल सेरेमनीज किस तरह से फंक्शन होते थे उनको देखता था। इसी तरीके से सारे जानदार था जो रॉयल बॉडीगार्ड्स को देखता था। इस तरीके से अमीर आखुर था जो हॉर्स के एस्टेब्लिशमेंट इस सबको देखता था। शहनाए फिल था जो एलिफेंट्स के उसको देखता था। अमीर मजलिस था जो अरेंजमेंट्स ऑफ मीटिंग्स एंड सेरेमनीज देखता था। रॉयल खाना जो जितनी भी जरूरतें होती थी जो रॉयल हाउसहोल्ड को वो रॉयल कारखाना के द्वारा पूरी की जाती थी। इसी तरीके से हम कहेंगे कि शासनकाल में लगभग 36 कारखाने थे। प्रत्येक कारखानों की देखरेख मालिक अथवा खान की शेरी के अभिजात वर्ग द्वारा की जाती थी। मुतासरिफ का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह विभिन्न विभागों के प्रवेश के रूप में कार्य करता था। इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपके कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।